Harry, I'm Molly. Harry, go keep the chimney. Mama, come eat me. Good tattoo. But, Bichar, okay, push it to ground. कभी साखी से श्रवण कर रहे थे, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बाबा कबीर की पंक्ति को देखें। ऐसा कोई ना मिला राम नाम की मीठी तन मन सांपे मिर्जो सुने बदी की। मुझे ऐसा अभी तक कोई नहीं मिला जो राम नाम में तन मन अर्पित कर दे। जिस प्रकार मृग बधिक के बाद यंत्रों की मधुर धुन को सुनकर अपने प्राणों का मोह भूल कर बधिक के पास चला जाता है, उसी प्रकार तुम जब राम नाम में मन लगा लेते हो तो गुरुदेव रूपी बधिक तुम्हारे अंदर के सभी दोषों को दूर कर देते हैं। जल पर माने माछली कुल पर माने सुधि जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। जल के अनुसार ही सरोवर सागर में बड़ी छोटी मछलियां रहती हैं, उसी प्रकार ऊंच नीच परिवार के अनुसार ही व्यक्ति का आचरण बनता है। एक उसी प्रकार विद्वान गुरु मिलने पर सद्बुद्धि प्राप्त होती है, इसलिए गुरु समझ बूझ कर करना चाहिए। जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु सो होए कहे कबीर दास का पला न पकड़े कोई। कबीर शायर कहते हैं जिस प्रकार से मनुष्य का स्नेह अपने परिवार पर होता है, यदि वैसी ही प्रीति उसकी गुरु एवं ईश्वर में हो तो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई उसको मोक्ष धाम की यात्रा में विघ्न नहीं डाल सकता। सब धरती कागज करो लिखने सब वनराय सात समुद्र की मसीह करो गुरु लिखाए। यदि सब धरती का कागज बनाया जाए और समस्त वनों की कलम और सातों समुद्र की स्याही बनाई जाए तथा निरंतर सारा जीवन गुरु एवं हरि के गुरुओं को लिखा जाए, तब भी उनके गुरुओं को लिखना संभव नहीं है। बूढ़ा था पर उबरा गुरु की लहरी चमक गुरु की लहरी चमक बेड़ा देखा झांझरा उतरी भया फरक। मैं डूब रहा था इस संसारी मोह माया में पर गुरु की कृपा से डूबने से बच गया, क्योंकि मुझे हजारों छिद्रों वाला संसार रूपी जहाज समझ में आया गया, इसलिए मैं उस पर से डूबने के भय से उतर गया और गुरु की शरण में आ गया।
वही मुझे पार लगाएंगे। अहं अग्निश दिन जरे गुरु सो चाहे मान ताको जम न्योता दिया हमारे मान। जिस शिष्य के हृदय में अपनी बुद्धि संपत्ति विद्या का अहंकार हो जाता, जो गुरु से भी अपनी प्रतिष्ठा मान चाहने लगता है, उसको स्वयं यमराज अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो अपने से बड़ों से सम्मान पाना चाहते, उन्हें काल अनेकों यातनाएं देता है। इसलिए गुरु के समक्ष हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जम गरज बल बाघ के है कबीर पुकार, गुरु की कृपा ना हो तुझे तो जम खाता पार। कबीर साहब कहते हैं, अरे अहंकारी मनुष्यों, यमराज रूपी सिंह तुम्हें पकड़ कर खा जाएगा। यदि गुरु की कृपा न हुई होती, इसलिए सावधान हो जाओ, नहीं तो यम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अवरण वरण अमूर्त जो कहो ताही किन देखा, गुरु दया ते पावे सुरति विरति करी देखा। जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, ऐसे आत्म तत्व को भला गुरु की कृपा के बिना कैसे पहचान सकते हो। इसकी अनुभूति तभी संभव है जब आत्मा परमात्मा एक हो जाए। पंडित पढ़ गुणि पति मुहे, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, अज्ञान बिना नहीं मुक्ति है सत सर्व परिमान। पंडित यदि चाहते हैं कि हम वेद शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि चाहे हम कितना भी वेदों का मनन कर लें, पर गुरु के बिना हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। बिना आत्म ज्ञान की प्राप्ति के मुक्ति संभव नहीं, इसका प्रमाण और शास्त्रों में उदाहरण भी है। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, भजन्तु देवताः आत्मैक बोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्याति ब्रह्म सतांतरेपि। स्वामी शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि से उद्धृत है। बड़े ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का भजन करे, जब तक ज्ञान प्राप्त का बोध नहीं होता, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। मूल ध्यान गुरूप है, मूल पूजा गुरु पाऊं, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। कबीर साहब कहते हैं, गुरु की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है, इसलिए अपने कल्याण के लिए गुरु के रूप का ध्यान करना चाहिए, उनके परम पद की अर्चना करनी चाहिए और गुरु के वचनों को व उन्होंने जो मंत्र प्रदान किए हैं उसमें ध्यान लगाकर निरंतर चिंतन मनन करना चाहिए। कहे कबीर सहु धर्म को नन्हा है करी पीर, कहियाँ गुरु चरण गहु जब सो बाजे जीर। कबीर साहब कहते हैं, बहुत विनम्र होकर गुरु के वचन रूपी रस का सेवन करो,
और सारे अहंकारों को त्याग कर गुरु के चरण रज को धारण करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, तभी तुम यमराज से सुरक्षित रह सकते हो, अन्यथा नहीं। तीन लोक नव खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। तीनों लोक स्वर्ग लोक मृत्यु लोक पाताल लोक और एवं नौ खंडों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जो काम गुरु कर सकते हैं वह तो गुरु के वश में भी नहीं है, वह ईश्वर के वश में भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, पर गुरु मंत्र देकर भवसागर से पार लगा देते हैं। कोटिन चंदा उभिन सूरज कोटि हजारे, तिन तो नाशे नहीं बिन गुरु घोर अंधारे। चाहे करोड़ चंद्रमा व सूर्य आकाश में क्यों न उदय हो जाए, परंतु अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर नहीं होता, वो तो गुरु की कृपा से उनके ज्ञान से ही दूर होगा। इसलिए जिस पर गुरु की कृपा नहीं होती है उसका जीवन सदैव अंधकार में रहता है। पहले बुरा कमाई के बांधी विष की पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आया गुरु की पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आया गुरु की पोट। पहले बुरे कर्म करते हैं, पीछे पछताते हैं कि अब हमारा क्या होगा। कबीर साहब कहते हैं करोड़ों बुरे कर्म भी मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जब प्राणी सदगुरु की शरण में आ जाएगा। जगत जनायो सकल जिही सो गुरु प्रगटे आए, जिन गुरु आखिन देखिया सो गुरु दिया लखाए। जिस ईश ने मानव रूपी चोला प्रदान किया, जिस ईश ने मानव रूपी चोला प्रदान किया, जिनकी कृपा से सत्य असत्य की पहचान हुई, वही ईश्वर गुरु के रूप में संसार में उपस्थित है। उन्हीं गुरु के प्रताप से उस अदृश्य स्वरूप का भी दर्शन हो गया। जो गुरु ने देखा वही तत्व शिष्य को भी दिखा दिया। हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार, गुरु कृपा तब जानिए छुड़ावे संसार। ईश्वर की कृपा तभी जानी जाती है जब वो मनुष्य को जन्म देता है, इसलिए गुरु की कृपा तब मानी जाती है जब वो मानव को इस भवसागर से छुड़ा देता है, मुक्त करा देता है, और ये गुरु ही कर सकते हैं। जाके सिर गुरु ज्ञान है सोई तरत भव माही, सोई तरत भव माही। गुरु बिन जानो जंतु को तब मुक्ति सुख नाही। जिसने गुरु के ज्ञान को उनके वचनों को सिरधार्य किया हो वो भव सिंधु से पार लग जाता है। गुरु के बिना मुक्ति की कामना संभव नहीं है। देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चंद,
आदि अंत दोनों बड़े कैहू कैहू गोविंद। देवी देवता सूर्य चंद्रमा ये सभी गुरु से बड़े नहीं है, केवल प्राणी जन्म देने वाले गोविंद बड़े कहे जाते हैं। और भवसागर से पार करने के कारण अंत में गुरु ही बड़े माने जाते हैं। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंपे रहे इस दिन चरणों लागे। सभी कुछ तो गुरु के पास है, अर्थात गुरु को हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त है, परंतु मनुष्य अपने कर्म और भाग के अनुसार ही पाता है। जो गुरु की सेवा में मन लगा देते हैं, गुरु उन्हें अपना सारा ज्ञान सौंप देते हैं। बहुत गुरु भय जगत में, कोई न लागे तीर, सब गुरु वही जाएंगे जागृत गुरु कभी। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में बहुत सारे गुरु हैं, परंतु कोई भी प्राणी को भव सिंधु से पार न लगा सका, क्योंकि इस भव बंधन से मुक्ति वही गुरु गिरा सकता है जो स्वयं जागृत हो, चेत गया हो, परमात्मा को जान गया हो, वही हमारा बेड़ा पार लगाएंगे। वेद पुराना साधु गुरु सबन कहीं निज बात, गुरु ते अधिक ना दूसरा का हरि का पितु मात। वेद पुराण साधु संतों और सदगुरु सभी ने अपनी अपनी बात कही है कि गुरु से बड़ा दूसरा कोई नहीं है, ना तो श्री हरि न ही माता पिता, इसलिए गुरु ही विशेष है। ताते सर्व विवेक करी की जय सो साज, जी विधि गुरु सो प्रीति रहे की जय सोई काज। इसलिए गुरु के उपदेश का अनुगमन कर सके ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे गुरु के प्रति प्रीति बनी रहे और मोक्ष की प्राप्ति भी संभव हो। सुई सुई नाचना चाहिए, जीव है गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिने कि तो कुशल नहीं क्षेम। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को वो सभी प्रयत्न करने चाहिए जिससे गुरु के प्रति प्रेम निष्ठा बनी रहे, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद ज्ञान प्रेम के बिना तुम्हारी कहीं कुशल नहीं है। तन मन शीर से निछावरे दी जय।